students how are you today i'm here not to teach you any particular topic i am here with a very good and exciting news for you CBSE has released the syllabus for new session or you can say the session 2020-21 so in this video i'll explain you the revised syllabus of biology biology class 11 for session 2020-21 and the subject code for biology is 044 first focus i will explain about the theoretical part practical definitely i'll explain but explain in the next video to be there with me first i'll explain which particular topics are there you have to study for the whole year and in second half of the video i'll explain which topics deleted by cbse you will not study this year at all right so very important video for you be here with me till end of the video now the particular uh, time for uh, your final exam i'm talking about is 3 hours and the maximum mass 70 same it was always there with 70 mark theory paper and 30 mark practical either for class or for class 11th or 12th units first i'll share with you and the weightage of the units for final exam I'm talking about unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 and total 5 units we have in class 11 biology unit 1 is diversity of the living organism and the weightage is 15 mark which increased by this year

प्लांट फिजियोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है लास्ट वाले दोनों आपके इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में चेंजेस हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में चेंजेस हैं है। पर अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ चैप्टर्स भी डिटेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी 15 मार्क्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी 17 मार्क्स आएगा पर ये जो आपका वेटेज बेटा दिख रहा है ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ऐसा ठीक है इंटरनल में टीचर्स कैन चेंज अकॉर्डिंगली एंड टोटल एक्सप्लेन कर देती कि कौन सी से क्या है और क्या नहीं है तो सबसे पहले मैं यूनिट स्टार्ट करती हूँ एंड द यूनिट नेम इज डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम ओके दिस अगर दिस यूनिट इज बेसिकली विथ फोर चैप्टर चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर for this unit only the unit unit 1 is with four chapters chapters are same four chapters were there last year and now also we have four chapters but but the condition is not similar at all they have deleted n number of topics from chapter 1 and from chapter 3 as well चैप्टर वन से उन्होंने बहुत सारा सिलेबस बेटा कम कर दिया है चैप्टर टू और फोर में कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं उन्होंने पर जो है पहले वो देखते हैं यू हैव टू स्टडी वॉट इज लिविंग बायोडाइवर्सिटी नीड फॉर क्लासिफिकेशन थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड स्पिशी आपका सिलेबस काफी कम हो गया बेटा चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लैसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फाइव किंगडम्स क्लैसिफिकेशन साइलेंट फीचर इन क्लैसिफिकेशन ऑफ मोनेरा प्रोटेस्टा एंड पंजाइब इंटू मेजर ग्रुप एंड लाइक एन वायरस एंड फेर दिस इज दिलेबस फॉर चैप्टर टू तो आपको चैप्टर वन में इतना है चैप्टर टू में आपको ये करना है चैप्टर थ्री में आपको क्या करना है तो बेटा चैप्टर थ्री में आपको करना है साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन टू मेजर ग्रुप्स एलगी ब्रायोफाइट पेरडोफाइट एंड जिम्नोस्टॉमी इसमें भी आपको साइलेंट एंड डिस्टिंग फीचर एंड फ्यू एग्जाम्पल्स हमें सबके करने यहाँ आपका चैप्टर वन में मुझे चेंज दिख रहा है चैप्टर थ्री में क्या चेंज है जो पढ़ना है वो यहां और क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैं आपको भी बताने वाली वीडियो में आगे नाउ एनिमल किंगडम यहां को ज्यादा चेंजेस नहीं है बेटा साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू द क्लास लेवल इट इज सेम एंड एज इट वॉज दे लास्ट ईयर साइलेंट फीचर एंड डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फ्यू डिस्टिंग ऑफ ईच कैटेगरी now very important part the cbsc already given uh, the instruction to the schools no live animal or a specimens should be displayed teachers they can use the model they can use the chart papers they can use the uh, particular you know say clay modules and all but they will not use the live animals or uh, specimen to save our diversity here

टोटल थ्री चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स तो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है लॉट ऑफ रिडक्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट दे हैव रिड्यूसड और देव डिलीटेड अट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ यू विल स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड फ्लार डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली ओनली एंड इस फैमिली में भी स्पेसिफिक कंडीशन बता दिया है सोलोनेसी या लिली, में, लिली एसी में से आपको बेसिकली रेलिवेंट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल सिलेबस में करना है पहले एसी सोलोनेसी लिली एसी सारी फैमिलीज आपको करनी होती थी अभी इन दोनों में से भी एक आपको प्रैक्टिकल सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है बाकी जेनरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट लीव ये सब सिलेबस से आपके हटा दिया है तो ये चैप्टर में बहुत सारा आपका कट किया है सिलेबस चैप्टर सिक्स अब ये तो पढ़ना ही नहीं है आपको इट वॉज अबाउट एनाटमी जो एनाटमी वाला चैप्टर था ये ऑलमोस्ट आपका हटा दिया है चैप्टर सिक्स नहीं है चैप्टर सेवन में भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा सिलेबस बेटा कम हुआ है इसमें सिर्फ एनिमल टिश्यूज कर रहे हैं जबकि इसके अंदर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम रिपोर्टक्टिव सिस्टम एंड ऑल सिस्टम्स सिस्टम बढ़ाए जो अभी आप नहीं करोगे तो मेजर जो आपका सिलेबस है वो यूनिट टू में चेंज हुआ है बायो में इलेवेंथ में

यूनिट में बहुत ज्यादा नहीं है बेटा थ्री चैप्टर्स पहले थे थ्री ही चैप्टर्स अब है अब बात देखते हैं टॉपिक्स की आपको क्या करना है इस यूनिट में यू हैव टू स्टडी सेल थ्योरी एंड सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्रियास एंड यूकेटिक सेल्स प्लांट सेल एनिमल सेल सेल एनवलॉप सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सेल ऑर्गेनलीज विच ऑर्गेनलीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ Organelles like endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, vacuoles, mitochondria, ribosome, plastids, microbodies, psycho, cytoskeleton. Now cilia, flagella, and centriole. Ultrastructure and function of these organelles. We are talking about centriole and last nucleus. टेंट हाई हार्डली एनी एनी थिंग एम इन लेफ्ट एवरी थिंग वॉज दर लास्ट ईयर एज वेल तो इस यूनिट से सबसे कम सिलेबस कट हुआ है या डिलीट हुआ है अब बात करते चैप्टर नाइन में बायोमोलिक्यूल में हमको क्या पढ़ना है यहां से सिलेबस आपका कम हुआ है बेटा केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग सेल ये हमें करना है बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्रोटीन हमें करना है कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड ये तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन आपके सिलेबस में है कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड आपके सिलेबस में है एंजाइम स्पेसिफिकली टाइप प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ये आपके सिलेबस में है अभी डिलीटेड वाला पोर्शन ये भी मैं आपको बताने वाली हूं अभी चैप्टर टेन में आपको सेल साइकिल करना है माइटोसिस करना है मियोसिस करना है और उसकी सिग्निफिकेंस ये लास्ट ईयर की तरह सेम है इस यूनिट में ओवरऑल बहुत ही कम चेंजेस किए हैं अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की तो प्लांट फिजियोलॉजी में पहले जो चैप्टर होते थे वो हमारे पास फाइव चैप्टर्स होते थे बेटा तो प्लांट फिजियोलॉजी का अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो यहां फाइव चैप्टर्स थे लेकिन देखिए लास्ट यूनिट मैंने किस पे खत्म किया बेटा लास्ट यूनिट देखिए चैप्टर टेन यूनिट थ्री जो मेरा है वो चैप्टर टेन के साथ यहाँ खत्म हो जाता है तो वॉट अबाउट चैप्टर इलेवन एंड वॉट अबाउट चैप्टर ट्वेल्व इलेवन ट चैप्टर कहां गए दैट ये चैप्टर कट गए हैं आपके क्योंकि टोटल फाइव चैप्टर्स थे जिसमें से ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और ये आपका फोर्थ वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव थे अब आपके पास माइनस टू होने के बाद इस यूनिट में चैप्टर्स बच गए हैं थ्री उन थ्री में से भी सिलेबस कम किया है उन्होंने सबसे पहले बात करते फोटो सिंथेसिस इसमें से कुछ खास कम नहीं हो रहा है लेकिन बाकी चैप्टर्स में में से बिल्कुल कम हो रहा है बेटा तो में आप क्या पढ़ने पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिथेसिस एलिमेंट्री आइडियाल एंड दिंटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक आइसो फोटो रेस्पिरेशन सी थ्री एंड सी फोर पाथवाइ एंड ये पूरा चैप्टर आपका फोटो सिंथेसिस हमें करना है इसमें से रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में अगर मैं बात करूँ तो गैश्रस एक्सचेंज हमें करना है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन हमें करना है जिसमें ग्लाइकोलिस फर्मेंटेशन टीसीए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनर्जी रिलेशन नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जेनरेटेड एंटीबॉलिकेशन क्वेश्चन ये सारा का सारा सिलेबस इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है बट चैप्टर फिफ्टीन में अगेन लॉर्ड ऑफ चेंजेस आर बहुत सारा सिलेबस रिलीज हुआ है chapter 15 से भी तो चैप्टर फिफ्टीन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी आपको फाइटोहार्मोन्स ये पढ़ना है ऑक्जीन के बारे में आप पढ़ेंगे जिब्रोलिन साइटोकिन और एसिड सिर्फ ये आपको पढ़ना है जबकि इससे पहले ग्रोथ कर्व एंड आपका ये सब सिलेबस सिलेबस में दिया था जो कट है वो बिल्कुल आपको जाना जरूरी है तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी आपसे तो ये लेकिन अभी आपको इसमें सिर्फ फाइटो फाइटोहार्मोन और हॉर्मोन्स रिस्पॉसिबल फॉर प्लांट ग्रोथ सिर्फ इतना सिलेबस आपका ऐसे बचा है तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास सीक्वेंस में चैप्टर वन टू थ्री फोर है लेकिन चैप्टर फाइव के बाद नहीं है फिर तो उसके बाद आपका एट नाइन टेन है देन इसके बाद हमारे पास क्या नहीं है चैप्टर इलेवन टू इंक्लूड कर देती हूँ कि चैप्टर सिक्स इलेवन और ट्वेल्व अब तक हमने देखा कि कंप्लीटली नहीं और बाकी सिलेबस से भी आपके बहुत सारे चैप्टर से भी सिलेबस कम हुआ है अब बात करते लास्ट यूनिट के बारे में विच इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज नॉट विजिबल दैट इज दिन इन द्यूमन बींग डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया यूनिट से अब वो हमें नहीं पढ़ना है चैप्टर में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स रिकॉल रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैकेशन इन ये आपको करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड लास्ट में हम डिस पढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन याटरी डिसऑर्डर्स ये पूरा चैप्टर सेवनटीन तक हम लोग आ गए और सेवनटीन हमने पूरा कवर कर लिया कौन कौन से टॉपिक्स गिवन है अब बात करते हैं चैप्टर एटीन के द बॉडी फ्लूड इन द सर्कुलेशन द दिन ऑफ ब्लड पढ़ना है ब्लड ग्रुप्स पढ़ना है कोम्पोजिशन ऑफ ब्लड ऑफ लेनेट्स फंक्शन ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट ह्यूमन ब्लड वेसल्स कार्डिक साइकिल कार्डिक आउटपुट ईसीजी

यूरिटेलिज्म यूरिकोटेलिज्म सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट सिस्टम के बारे में आप देखेंगे निफरॉन के बारे में देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन हम करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन लाइक रेन इन एंटीको आर्टिकल रिलेटेड फैक्टर ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं न उसके बाद एडीएच एंड डायबिटीज इंसेबिटिस ये पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ Other in पढ़ने वाले हैं और कुछर और like brain से रिलेटेड पढ़नी है तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि चैप्टर सिक्स नहीं है चैप्टर इलेवन नहीं है अब यहाँ हम चैप्टर सिक्सटीन भी इंक्लूड कर चुके हैं कि चैप्टर सिक्सटीन भी हमारे में नहीं है अब आ जाते हैं देखिए कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं बीस ट्वेंटी नाइनटीन यहां पर है तो ट्वेंटी बिल्कुल चैप्टर है लेकिन ट्वेंटी में से बहुत सारा सिलेबस बच्चों का हो गया है जो आपका ट्वेंटी चैप्टर है लोकमोशन एंड मूवमेंट इसमें सिर्फ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन सिर्फ ये पढ़ना है जबकि इस सिस्टम के अंदर पूरा स्कैटल स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स ये पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज चंक ऑफ सिलेबस था जो रिमूव कर दिया सीबीएसई ने इस साल आपके कोर्स में नहीं है और अभी एग्जाम में नहीं आएगा ट्वेंटी वन न्यूरल कोऑर्डिनेशन आपका एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें सिर्फ इस सिलेबस का मूव शेयर क्या लेकिन पहले जानते हैं क्या है न्यूरॉन सिस्टम इन ह्यूम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जनरेशन एंड कंडल ये आपका पूरा इसके अंदर है जबकि इसके अंदर आपके आई नोज ईयर ये सब पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ से हटा दिया रिफ्लेक्स आहार हटा दिया तो कुछ सिलेबस इस चैप्टर से भी कम कर दिया है और जो करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है नावल डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ class 11 the biologist labor chapter 22. chapter 22 is the chemical coordination and integration help. endocrine glands and the hormones human endocrine system a hypothalamus pituitary pineal thyroid parathyroid adrenal pancreas gonads, and the mechanism of hormone action like elementary idea about it and the role of hormones as the messenger and the regulator hypo एंडिविटीज disorders. Disorders, ये सारे डिजीजे लेकिन एक चीज याद रखिये सीबीएस ने फिर से नोट के साथ ये दिया है डिजीज रू ऑल फिजोलॉजिकल सिम टू बी टॉच इन प्रीफ ओनली गो इन डिटेल वो छोटा सा एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए वो हमें पढ़ना है तो अब आपको पूरा का पूरा ये समझ आ गया है बेटा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप कंप्लीट डिलीशन की बात करते हैं तो कंप्लीट डिलीशन में सिक्स इलेवन ट्वेल्व एंड सिक्सटीन ये चैप्टर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो आप सिक्स को भूल जाइए इलेवन को भूल जाइए ट्वेल्व को भूल जाइए एंड सिक्सटीन ये तो आप कंप्लीटली भूल जाइए आप किस चैप्टर से क्या डिलीट कर दिया है वो वन वन बाय वन करके मैं आपको बता देती हूँ डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11 चैप्टर बायोलॉजी तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट वन जो आना है वो बता चुकी हूँ आपको अब जो नहीं आएगा पहले टेक्सोनॉमी एंड स्टैटिक्स सिस्टमैटिक्स इट वॉज देयर लास्ट ईयर सी डिलीटेड दिस पोर्शन

नहीं आने वाला है Now, अब यूनिट टू की बात करते हैं। से तो बेटा सबसे ज्यादा कर दिया सीबीएसई ने सीबीएसई लार्ज और यूनिट टू में चैप्टर फाइव फर्स्ट विद यू पर्टिकुलर सिलेबस इज मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स लाइक रूट लीव फ्रूट एंड सीड Description of family like Fabaceae, they have deleted. They left two Solanaceae or you can see Liliaceae families, and that's they they've given part of practical only. Chapter six, the whole chapter they have deleted. Now we don't have this chapter in our syllabus at all. Anatomy and the function of different tissues, in dicot, monocot, and secondary growth. This was the syllabus for this chapter, but now we will not study this. चैप्टर सेवन में बेटा एनिमल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल इसमें से बहुत बड़ा अमाउंट सिलेबस सिलेबस का है अभी हमारे में सिर्फ एनिमल टिश्यूज मॉर्फोलॉजी एनाटमी फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ये इंसेक्ट कॉकरोच का ब्रीफ अकाउंट था जो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये भी सीबीएसई ने आज क्लियर कर दिया कि आपको ये नहीं पढ़ना है अब नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं तो यूनिट फोर की हम बात करते हैं यूनिट फोर में चैप्टर चैप्टर और एंटायरली कट गया है चैप्टर ये नहीं पढ़ना है हमें बिल्कुल भी, भी। था इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ वाटर गैसेस न्यूट्रियन सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशन इम्बाबेशन वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ वाटर एब्सॉर्बेशन एपोप्लास इम्प्लास ट्रांसपिशन पुल रूट प्रेशर घटेशन ट्रांसपिरेशन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अपटे मिनरल न्यूट्रियो ट्रांसपोर्टिवन बाय ये चैप्टर इलेवन हमें करना ही नहीं है चैप्टर ट्वेल्व में इट वॉज मोर अबाउट द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिय रोल एंड डेफिशियंज एंड मिनरल टॉक्सोसिटी आइडिया ऑफ हाइड्रोफोनिक्स स्टडी ऑफ द मिनरल न्यूट्रीएंट नाइट्रोजन मेटाबोलिज्मिकल नाइट्रोजन दिस वॉज बेसिकलीप्टर इलेवन और चैप्टर ट्वेल्व हमें अब नहीं करना है, है। चैप्टर फिफ्टीन देखो कितना सारा तो कट कर दिया है अब आपको चैप्टर फिफ्टीन में सिर्फ हॉर्मोन्स पढ़ने हैं फाइटो हॉर्मोन्स

ये अब हम नहीं कर रहे हैं बेटा तो ये बहुत बड़ा चेंज है सीबीएसई की तरफ से और डेफिनेटली बड़ा फोकस हो जाइए बिकॉज नो यू नो कि आपको पूरे टाइम पर क्या करने की जरूरत है और क्या सिलेबस नहीं करने की जरूरत है ठीक है

कॉन्स्टिपेशन वॉमिटिंग ज्वाइनिस लेकिन ये पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा है तो इसके लिए बिल्कुल बरी नहीं करना है उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और क्या नहीं आ रहा है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों नाउ लास्ट अपोशन इसमें से भी मैंने आपको दिखाया कि बहुत बड़ा सिलेबस कट किया है बहुत बड़ा अमाउंट का कट कर दिया है टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं ज्वाइंट के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं और कोई डिसऑर्डर हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम भी सिर्फ अगर पढ़ेंगे वहां पर तो स्केलेटल मसल्स एंड एंड फ्यू द सिर्फ इतना आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर तो यहाँ पर भी आपका मेजर चंक कट कर दिया एस बी एस सी ने नर टी वन ट्वेंटी टू में कुछ कट नहीं है वो पूरा चैप्टर हमको पढ़ने की जरूरत है और हम पढ़ेंगे उसको बिल्कुल

अपनी बुक से हटा देना है उसे पेंसिल से काट कर दीजिएगा और अपना रिवीजन आप शुरू कर दीजिएगा फर्स्ट आई हैव क्या पढ़ना है एंड आई आई एव एक्सप्लेन क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है कौन से चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आएंगे नाउ फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट एंड अब लग जाइए कंटिन्यू विद योर स्टडीज आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन एज वेल